बक्सर में बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल के धंसने का मामला अब तेज होने लगा है। पुल के धंसने के वीडियो वायरल होने के बाद पटना से आज NHAI के अधिकारियों की टीम ने पुल का जायजा लिया। अधिकारियों की टीम ने पुल के जायजा लेने के बाद बताया कि उन्हें वीडियो वायरल होने के बाद इस तरीके से पुल के धंसने का मामला सामने आया और इस मामले में टीम ने प्रथम दृष्टया इसकी जांच कर ली है। अधिकारी NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर धीरज भारती ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच कर लिया गया है, लेकिन इस पुल की जांच के लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाई गई है और एक्सपर्ट टीम इस पुल के धंसने के मामले की पूरी जांच करेगी। धीरज भारती ने बताया कि जिस तरीके से यह पुल बना है उसमें उस जो कई मामले हैं उसकी जांच एक्सपर्ट टीम के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा संभव होगा। आपको बताएं कि SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही इस पुल का निर्माण कराया है और SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी हाल ही में खगड़िया और सुल्तानगंज के दौर बीच बन रहे पुल धंसने को लेकर चर्चा में आई थी। SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो खगड़िया और सुल्तानगंज के बीच धंसने के बाद जिस तरीके से कंपनी चर्चा में आई, जहां वही कंपनी इस पुल का निर्माण कराई है, तो निश्चित रूप से इस कंपनी के द्वारा पुल के निर्माण के बाद अब लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि पुल के धंसने के बाद प्रशासन की ओर से और विभाग की ओर से पैचिंग करा दिया गया है, जिसके आवागमन में लोगों को फिलहाल किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन पुल धंसने को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चाएं और संशय बरकरार है। देखिए, हमारे नॉलेज में आज सुबह में ही एक वीडियो वायरल हुआ था जो जी मेरे संज्ञान में आया। मैं यहाँ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, ये हमारे ही जुरिस्डिक्शन में आता है। जी। मैं तुरंत वो वीडियो मिलने के बाद मैं तुरंत अभी पटना से यहाँ पर उसको देखने के लिए ही आ गया। जी। तो प्रथम दृष्टया मैं इस चीज़ को देखने के लिए चाह रहा था कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, तो वही मैं देखने के लिए अभी आया हूँ। जी। अभी मैं अभी इसको पूरी तरीके से एक बार प्रथम दृष्टया देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ है इस वीडियो। साथ ही साथ ये मैं बताता हूँ कि इस पुल के लिए भी एक हाई लेवल कमेटी भी बनी हुई है, जो एक्सपर्ट कमेटी बनी है जो इसकी जांच करेगी। 10 दिनों के अंदर ही वो, चूँकि बिहार में जो इंसिडेंट्स हुए थे उसको लेकर के जो भी नियम फ्यूचर में जो कंप्लीट हुए थे उन सब की एक ऑडिट जांच होगी, जो जो एक्सपर्ट कमेटी बनी है वो आकर के जांच करेंगे। लेकिन ये आज सुबह में जो हमारे संज्ञान में है इसको हम लोग देखने के लिए। आज क्या क्या खबर मिली सर? बीच में कहीं बताया गया कि छेद हुआ है, कुछ टूटा हुआ है? नहीं, अभी हम अभी अभी मैं अभी देख देखने आया हूँ, अभी देखा नहीं पूर्ण रूप से, अभी देखने दीजिए। अभी मैं जस्ट आया हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक जगह पे जहाँ बताया जा रहा था कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया है, बट अभी ऊपर से हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर ऊपर के बिटवीन कोर्स जो होते हैं वो शायद वहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन वर्क किया गया है। जी जी जी। शायद स्लिप आउट हो गया था वहाँ पर कुछ क्रैक आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बिटुमिनस सरफेस में कुछ क्रैक थे, ब्लीडिंग हो गए टेम्परेचर। उस चीज़ को ये उन लोगों ने जो हमें बताया गया है अभी कि कल रात में उसको पॉटफॉल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, उस तरह के जर नहीं आने चाहिए, इस वजह से वो पैच को इन लोगों ने बिटुमिनस कोर्स से इन लोगों ने रेक्टिफाई किया है। अभी और जांच हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है।